नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय NIOS के इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है मैं पाठ्यक्रम 504 प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना के अंतर्गत जो है बहुलक यानी मोड पर वार्तालाप करूंगा। बहुलक की जो परिभाषा है, बहुलक वह अंक या स्कोर है जो बंटन में सबसे अधिक बार आता है, यानी कि हमारे आंकड़े में जो अंक सबसे ज़्यादा बार आएगा, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो एक बंटन में बहुबहुलक अर्थात एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक अस्थायी मापक है। बहुलक बंटन का एक अंक प्रेक्षण होता है, बारंबारता नहीं होती, यानी उस सबसे जो है अधिक बार जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसका मान जो है वही हमारा बहुलक होता है। अब हम बहुलक जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए निकालेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो हमारे पास बहुलक निकालने की विधि है, हमें एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। उदाहरण है कि भारत के क्रिकेट के खिलाड़ियों की आयु नीचे दी गई है। अब उनकी आयु जो है उसकी बहुलक आयु ज्ञात करनी है आपको। तो जो आयु है वो 29, 38, 19, 24, 34, 28, 24, 25, 21, 26 और 24 है। अब ये इन आंकड़ों को जो है हम जो आंकड़े एक जैसे बराबर के आंकड़े हैं उनको जो है हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। जब हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो एक समान आयुओं को हम साथ साथ रखते हुए आयुओं को व्यवस्थित करेंगे, और जब हम व्यवस्थित कर लेंगे तो व्यवस्थित करने पे हमको ये आरोही क्रम एक प्राप्त होगा जो 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29, 34, 38, 39 और 38 है। अब इन आंकड़ों को देखने पे ये आपको लगता है कि 24 की जो आवृत्ति 3 है और 29 की आवृत्ति 2 है, 38 की आवृत्ति 2 है, बाकी जो आपके पास आंकड़े हैं यानी 19, 21, 23, 26, 25, 28, 34, ये आंकड़े सब एक एक बार आए हैं। तो इन आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति है वो 24 की है जो कि 3 है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 24 होगा। फिर जो है एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। ये तो हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा था, ये जो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, यानी कि हमारे पास कुछ चर होंगे और उनकी आवृत्ति आपको दी गई है। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि जो चर है हमारे पास वो 10, 20, 30, 40 और 50 है, और इन चर की जो आवृत्ति है वो 10 की 2 है, 20 की 8 है, 30 की 20 है और 40 की 10 है और 50 की 5 है। तो हम देख सकते हैं कि जो चर 30 है उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है और जो 20 के बराबर है, उसके बाद 10 है, 8 है, 5 है और 2 है। क्योंकि बहुलक जो है सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाले मान को बताता है, तो 20 आवृत्ति वाले जो चर है उसका मान जो है वो 30 है। तो यहाँ पे जो है हमारा 30 जो है बहुलक होगा। कभी कभी जो होता है कि हम आंकड़ों से बहुलक का मान नहीं निकाल पाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 की भी फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है 2 है, 2 की भी 2 है, 3 की भी 2 है और 4 की भी 2 है, सबकी आवृत्ति 2 है। तो इस प्रकार के आंकड़ों का जो है हम बहुलक नहीं निकाल सकते, तो हम ये कहेंगे कि ये आंकड़े का बहुलक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है हमारे पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक है, यानी जो हमारे आंकड़े हैं वो वर्गीकृत हैं, यानी वो एक वर्ग और उसकी आवृत्ति आपको दी रहेगी। एक उदाहरण से इसको भी हम समझाएंगे आपको। तो एक वर्ग रहेगा और उस वर्ग की आवृत्ति दी रहेगी। तो हमारा जो वर्ग है, वर्ग और उसकी आवृत्ति यानी f, ये दिया रहेगा। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए सर्वप्रथम जो है हम बहुलक कक्षा निकालते हैं,
यानी कि बहुलक किस कक्षा में लाई करेगा, किस में रहेगा, उसी कक्षा को हम बोलेंगे बहुलक कक्षा। तो हम पहले बहुलक कक्षा निकालते हैं, फिर बहुलक कक्षा ऐसी कक्षा है जिसकी आवृत्ति सबसे सर्वाधिक होगी, यानी हम अपने वर्ग और फ्रीक्वेंसी जो बंटन है हमारा उसमें सबसे अधिक वाली आवृत्ति को जो है हम जो है बहुलक कक्षा कहेंगे। जिसकी आवृत्ति सबसे, जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उस कक्षा को हम बहुलक कक्षा कहेंगे। फिर बहुलक के निकालने के लिए जो है हमारे पास निम्न सूत्र हैं, जिसको एम ओ यानी यम मोड जो है एल एम प्लस डी वन डिवाइडेड बाई, जैसे वो सूत्र हम लिख देते हैं कि मोड जो है एल एम यानी निम्न सीमा जो है उसकी, और डी वन अपॉन डी वन प्लस डी टू, डी वन अपॉन डी वन प्लस डी टू इंटू एच, जहाँ पे एच जो है उस वर्ग की ऊंचाई हो गई और बहुलक कक्षा का ये निम्न सीमा हो गया, और डी वन डी टू जो है उस बहुलक कक्षा की आवृत्ति से, जो डी वन है आपका वो जो हमारी बहुलक कक्षा है उसकी आवृत्ति से उसके ऊपर वाली जो कक्षा की आवृत्ति का डिफरेंस है, डी टू जो है उस बहुलक कक्षा से नीचे वाली जो कक्षा है उसकी आवृत्ति का अंतर है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से मजदूर परिवार की बहुलक मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि हमारा आय जो है 1000 में दिया हुआ है और परिवार की संख्या दी गई है, तो 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49 और 50 से 54, ये हमारे आय हैं 1000 में दिए हुए हैं, और इनमें जो है परिवार की संख्या जो है वो हमारी जो है 5 है, 10 से 14 की, 15 से 19 की 2 है, 20 से 24 की 3 है, 25 से 29 की 5 है, 30 से 34 का 2 है, 35 से 39 का 9 है, 40 से 44 का 6 है और 45 से 49 का 3 है और 50 से 54 का जो है 5 है। इसके बाद जो है उपरोक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि जो सारणिक की बहुलक कक्षा यानी बहुलक क्लास है वो जो है हमारी 35 से 39 है, क्योंकि 35 से जो 39 है उस कक्षा की, उस क्लास की जो है आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो उस क्लास की जब आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो उस क्लास को जो है हम मोड क्लास यानी बहुलक की कक्षा कहेंगे। तो हमारी बहुलक जो कक्षा है वो हमको पता चल गई कि वो 35 से जो है 39 है, ये हमको ज्ञात हो गया। तो 35 से 39 हो गया, चूंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ग है, जो हमारा इंटरवल है वो सतत नहीं है, तो हम सतत बनाएंगे इसको, और इसकी निम्न सीमा को जब हम सतत बनाएंगे तो जो हमारे LM की वैल्यू आएगी, मान आएगा, वो 34.5 आएगा। उसके बाद जो है हम उसी उदाहरण को देखते हैं तो वहाँ से जो हमारी D1 की वैल्यू है, तो चूंकि 35 से 39 जो हमारा वर्ग है इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है हमारा ये 9 है, और इसी क्लास को, इसी कक्षा को जो हम मोड क्लास यानी बहुलक कक्षा कहेंगे, इसी को हम मोड क्लास कहते हैं। तो इसकी निम्न सीमा यानी LM इसको हम सतत यानी कंटिन्यूअस बनाएंगे तो वो 34.5 आएगा। उसके बाद इसकी ऊंचाई जो है, हाइट h जो है ये 5 के बराबर है। अब हम D1 निकालते हैं और D2 निकालते हैं। तो D1 के लिए हमने बताया कि जो हमारी बहुलक कक्षा है उसके ऊपर वाली कक्षा की आवृत्ति और जो बहुलक कक्षा की आवृत्ति से घटा देंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो बहुलक कक्षा की आवृत्ति वो 9 है और इसके ठीक ऊपर वाली जो कक्षा है उसकी आवृत्ति 2 है, तो उसमें से हम 9 में से जब 2 घटाएंगे तो ये 7 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार हम जो है D2 भी निकालेंगे, तो D2 जो हमारा है वो बहुलक कक्षा की आवृत्ति माइनस जो उससे नीचे वाली कक्षा है उसकी आवृत्ति यानी 6, उससे जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी 3 आई, यानी इसका मान हमको 3 आया। तो अब हमारा जो सूत्र है उसमें LM, D1, D2 और H का मान हम रख देंगे, जो कि हमको ज्ञात हो चुका है। तो जब हम ये मान रखेंगे, इन मान को रखने पे जो है हमारा, चूंकि LM जो है वो 34.5 है प्लस D1 आपका जो है 7 यानी 7 बटे D1 प्लस D2 यानी 7 × 3, और इसको गुणा करेंगे हम 5 से, फिर जो है 34.5 प्लस ये करेंगे तो 7/10 गुणे 5, फिर ये 5 जो है 10 कट जाएगा और 34.5
धन 7/2 यानी 3.5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 34, 3, 37 और एक ये जो है 38 के बराबर आएगा। तो हम जो है जैसे हमने बोला कि एक आंकड़े से आपको समझाया कि जो है इस आंकड़े का जो है जैसे हमने क्रिकेट खिलाड़ियों की आयु वाला लिया था तो उसमें आपको एक बहुलक प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि कई कई आंकड़े हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमको दो बहुलक भी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमने जो है एक उदाहरण लिया 2, 3, 5, 7, 3, 2, 8, 9 और 2, ये हमने एक उदाहरण लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दो हमारा आंकड़ा 2 है उसकी आवृत्ति जो है 3 है, दूसरा हमारा जो आंकड़ा 3 है उसकी आवृत्ति भी हमारी 3 है, उसके बाद जो हमारा आंकड़ा 7 है उसकी आवृत्ति 1 है, 8 वाले की भी जो है हमारी 1 है, और फिर जो हम 9 ले रहे हैं उसकी भी आवृत्ति हमारी 1 है। तो जो हमारे आंकड़े हैं अगर हम उसको व्यवस्थित किए तो हम देखें कि 2 की 3, 3 की 3, 7 की 1, 8 की 1 और 9 की 1। अब इसको जब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमको पता चला कि जो है ये और ये इनकी आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा है, यानी 3 और 3 है। तो इस आंकड़े में हमको जो है दो बहुलक मिले, और वो जो बहुलक होंगे दोनों यानी जो बहुलक हमारे होंगे इस आंकड़े के लिए वो जो है 2 और 3 होंगे। 2 और 3 यानी इस आंकड़े में हमारा 2 और 3 जो है बहुलक हो गया। अब एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक हम वर्ग लेते हैं, वर्ग और उसकी आवृत्ति f। वर्ग हमने लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमने एक वर्ग लिया, और इसकी आवृत्ति जो हमारी है इसकी 2, इसकी 7, इसकी 13, इसकी 5 और इसकी जो है 9। तो इस केस में हमने बताया कि जो वर्ग है हमारा उसकी आवृत्ति है, तो इसमें हम सबसे पहले बहुलक कक्षा निकालेंगे। तो बहुलक कक्षा निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ग है कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा कि जो ये वर्ग है इसकी आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा है, ये जो वर्ग है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा यानी 13 है, बाकी जो आपकी आवृत्ति है वो 9 है, फिर 7 है, 5 है और 2 है। तो इस कक्षा को जो है हम बोलेंगे बहुलक कक्षा यानी मोड क्लास, इस कक्षा को हम मोड क्लास बोलेंगे, और इस कक्षा की आवृत्ति को जो है हम बोलेंगे कि ये बहुलक कक्षा यानी बहुलक क्लास की आवृत्ति है। अब इसकी निम्न सीमा जो हमको अब बहुलक निकालने के लिए सूत्र है कि जो बहुलक हमारा होगा वो एल प्लस डी वन अपॉन डी वन प्लस डी टू इंटू एच, ये हमारा बहुलक निकालने का सूत्र है। तो इस आंकड़े से जो है हम पहले L निकालेंगे, जब हम L निकालेंगे तो L जो है हमारा बहुलक कक्षा की निम्न सीमा है, और हम इस बहुलक कक्षा को देख के इसकी निम्न सीमा जो है ये 20 है। अब हम जो है इस कक्षा की ऊंचाई यानी हाइट को देखेंगे तो ये जो H है वो 30 - 20 यानी 10 के बराबर है। फिर हम डी वन और डी टू को निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो जो D1 हमारा होता है, D1 जो है हमारा बहुलक कक्षा से ऊपर वाली कक्षा के आवृत्तियों का जो है घटाएंगे तो वो हमारा D1 मिलेगा। जैसे यहाँ पे बहुलक कक्षा की आवृत्ति 13 है और इससे ऊपर जो कक्षा है उसकी आवृत्ति जो है 7 है, तो जो D1 हमारा निकला 13 - 7 यानी 6 निकला। अब हम D2 निकालेंगे, D2 के लिए हमने बोला कि बहुलक कक्षा की आवृत्ति से उसके बाद वाली जो कक्षा है उसकी आवृत्ति को हम घटा देंगे, तो जो D2 हमारा है वो 13 - 5 यानी 8 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने जो बहुलक का हमारा सूत्र है उसमें से L भी हमने ज्ञात कर लिया, H भी ज्ञात कर लिया, D1 ज्ञात कर लिया और D2 ज्ञात कर लिया। अब इन सभी मान को जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमारा सूत्र जो है इस प्रकार से हो जाएगा 20 + D1 = 6 D1 + D2 = 6 + 8 × H, H यानी 10। तो
अब जो हमारा 20 प्लस 6 अपॉन 8 प्लस 6 यानी 14 इंटू 10, फिर जो है हम 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 14, जब हम इसको हल करेंगे तो 20 प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 5.3 के बराबर आएगा। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 25.3, तो ये 25.3 जो है हमारा बहुलक हो गया। अब जो है एक और हम उदाहरण आपको देते हैं, अगला जो उदाहरण है वर्गीकृत का, इसमें वर्ग और फिर एक आवृत्ति आ गई। वर्ग में जो है हमने जो है लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ये हमने जो है एक वर्ग बनाया जिसकी आवृत्ति जो है आपको 1, 3, 2, 9, 7 और 6 दी गई है। अब हम जो है मोड का जो सूत्र है हमारा L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H। अब इसमें हम पहला काम करेंगे कि बहुलक कक्षा निकालेंगे यानी मोड क्लास निकालेंगे। तो हम अगर इस आंकड़े को देखें ध्यानपूर्वक तो हमको ये दिखेगा कि 9 जो है सबसे ज़्यादा आवृत्ति है और 9 इस वर्ग की आवृत्ति है यानी इस कक्षा की आवृत्ति है, इस क्लास की आवृत्ति है। तो इस क्लास को जो है हम फिर डिफाइन करेंगे कि ये हमारा मोड क्लास है यानी बहुलक कक्षा है। मोड क्लास डिफाइन होने के बाद इस कक्षा की जो निम्न सीमा है उसको हम L से डिनोट करेंगे। तो L जो है हमारा वो 15 हो गया। चूंकि ये कक्षा जो है हमारी कंटिन्यूस है, सतत है, इसलिए इसमें हम जो है 0.5 जोड़ना या घटाना नहीं करेंगे। तो L हमारा जो है ये 15 के बराबर हो गया। फिर हम हाइट की बात करें तो इस हर वर्ग की जो ऊंचाई है ये 20-15 या 15-10 ये 5 के बराबर है। अब हम D1 और D2 की गणना करेंगे। तो D1 के लिए हमने बताया कि जो हमारी बहुलक कक्षा की आवृत्ति है उसको उसके ऊपर वाली कक्षा की आवृत्ति से घटा देंगे यानी 9-2 कर देंगे जो कि 7 के बराबर आएगा। अब हम D2 निकालेंगे और D2 के लिए जो हमारे पास है कि बहुलक कक्षा की आवृत्ति से उसके नीचे वाली कक्षा की आवृत्ति को हम घटाते हैं यानी 9-7=2। तो यह हमारा D1 और D2 आ गया। अब इन मानों को, इन ज्ञात मानों को अपने सूत्र में जब हम रखेंगे तो ये 15 धन D1 यानी 7 अपॉन 7+2 इंटू 5, और जब हम इसको निकालेंगे तो ये 15 धन 7 × 5 अपॉन 9, और जब इसको हम हल करेंगे तो ये 35/9 यानी 15 प्लस 9 × 3 = 27 27 हो गया, 8 × 9 = 72 दो फिर 8 यानी 3.89 लगभग आएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 18.89 आएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फिर वर्गीकृत एक बंटन का जब हम बहुलक निकाले तो ये 18.89 के बराबर आया। धन्यवाद।